हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। सो नीट का डेट भी आ चुका है आपका, और बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ टाइम के कारण। बट हाँ, अब मैं आपको पूरा बायो, पूरा फिजिक्स सारा कुछ अपलोड करूँगा। फेब के मंथ में फिजिक्स अपलोड होगा, और ये ऐसा ना समझना मैं बोल रहा हूँ तो 100% कन्फर्म है। वो मेरे शेड्यूल पे अब भी मुझे लग रहा है कि यहाँ फेब में मुझे टाइम मिलेगा, बट मे बी वो अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, मे बी टाइम ना मिल पाए। सो बट कोशिश करूँगा मैं पूरा अपलोड कर दूँ। अभी बायो क्लास 11th एंड 12th बताऊँगा, और हमारा टारगेट होगा 360 आउट ऑफ 360। और जितना बताऊँगा मैं, सिर्फ उतना देख लेना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपकी मर्जी है, बट जितना मैं बताऊँगा वो तो करना ही करना है। ठीक है, अब पहले देखेंगे क्लास 12th, देन देखेंगे क्लास 11th, और उसके बाद एक छोटा सा रिवीजन होगा और कंप्लीट होगा। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे, यूनिट 1, देन 2, 3, 4, 5, ऐसे करके। कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो मुझ पे डिपेंड करेगा, बट टॉपिक वाइज ही चलेंगे, मतलब यूनिट वाइज चलेंगे, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके। अब 360 आउट ऑफ 360 लाने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखना, जो बहुत बच्चे नहीं करते हैं। हमारे टाइम में करना पड़ता था, बिकॉज एम्स में क्वेश्चन वहाँ से आते थे। समरी पढ़ना है, लास्ट में हर एक चैप्टर्स के समरी दिए हुए रहते हैं, और एक्सरसाइज दिए हुए रहते हैं। एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को कर लेते हो, कहानी कंप्लीट है आपका। वही डिराइव करते हैं, डिराइव करके वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि यहाँ से निकाला जा सकता है, जो कि फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। सबसे पहले है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्माटाइड स्पर्माटोजोआ कैसे बनता है, और ओवा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेकेंड पोलर बॉडी कब बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनता है, ओओजेनेसिस किसे कहते हैं, ये सारा कुछ गैमेटोजेनेसिस में यही क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है, स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, मेल एंड फीमेल। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया गैमेटोजेनेसिस। सेकंड क्वेश्चन इंसेमिनेशन पूछता है, तो इंसेमिनेशन से रिलेटेड तो ज़्यादा नहीं रहता, बट वो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड रहता है। फर्टिलाइजेशन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे, किस जगह होता है। कैपेसिटेशन भी पूछ दिया जाता है कभी, किसके बॉडी में होता है। तो फर्टिलाइजेशन याद रखना, अगर पूछे तो आप लोग फेलोपियन ट्यूब लगा करके आना कि स्पर्म एंड ओवम जो होता है वो फ्यूज्ड कहाँ करता है, फेलोपियन ट्यूब में। एंड कैपेसिटेशन वो डायरेक्ट पूछे किसके बॉडी में, फीमेल टिक करके आ जाना। ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो दिखाऊंगा मैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट ये IVF में पूछा जाएगा, लाइक अभी अंबानी के केस में मैंने सुना है, क्लियर नहीं हूँ, बस सुना है। ठीक है, कि IVF हुआ, उसका जो ट्विंस है वो IVF के कारण ट्विंस है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लास्टोसाइट्स ट्रांसफर इनटू यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर ब्लास्टोसाइट्स के नंबर पूछा जाएगा कि यूट्रस में डालना तो कितना होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब में डालना है तो कितना होना चाहिए। इट्स अटैचमेंट टू द यूटरिन वॉल इम्प्लांटेशन, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्लियर है? एंड लास्टली होता है गैस्टेशन। गैस्टेशन पहले पूछा जाता था, अब भी शायद नहीं पूछते हैं, अभी मे भी 2023 में पूछा जा सकता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, 5th मंथ में क्या डेवलप होता है बच्चों का, ये देख लेना। 5th मंथ इम्पॉर्टेंट है, पूरा का पूरा देखना, बट 5th मंथ पूछा जा सकता है। या तो वो मैच ऑफ द फॉलोइंग करके देंगे तो पूरा पूछेंगे, अगर MCQ नॉर्मल रखते हैं, बेसिक रखते हैं, तो वो 5th मंथ वाला मुझे लगता है पूछेंगे। ठीक है, देन आता है पार्ट्रिशन। ऑक्सीटॉक्सिन का कहानी है, ऑक्सीटॉक्सिन कैसे रिलीज होता है, कब रिलीज होता है, और क्यों रिलीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिलीज होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी होता है, और किसके कारण होता है, फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड बेबी सिग्नल देती है, तो उसके कारण ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है। ये आपके लेवल पे है, MBBS के लेवल पे कहानी अलग है। ठीक है, मैंने एक्चुअली कहा था, मुझसे प्रोफेसर ने ये क्वेश्चन पूछा था, एक तो ये हो गया, और एक हाइपरटेंशन का पढ़ रहा था तो उसमें क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मल BP बता दो, तो 120/80 बताया, और इसका ऑक्सीटॉक्सिन का फुली डेवलप्ड बेबी एंड प्लेसेंटा ट्रिगर करता है। तो बट बहुत गंदा इंसल्ट किए वो, मतलब उन लोगों का थोड़ा लेवल हाई होता है, एक तो 30 साल मतलब काम कर चुके होते हैं, सो
होता है बहुत गंदा, वो टेंशन ना लेना, इंसल्ट अगर होता भी है ना 100 बच्चों के बीच में, तो प्रोफेसर अगर करते तो वो कोई नहीं। फोर्थ ईयर के बच्चों को एक नोटबुक, नोटबुक नहीं बुक मंगाया था प्रोफेसर ने, तो वो बुक नहीं लेके गए थे, तो फिर उसके लिए भी बहुत गंदा से डांटे थे उन्होंने। ठीक है, तो होता है ये, अब भी बता दे रहा हूँ मैं, मेडिकल कॉलेज में होता है। मेडिकल कॉलेज की कहानी अलग है, बाकी कॉलेजेस की कहानी या जो भी बोलो वो सब की अलग है। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम देख लेना। स्क्रोटम क्या होता है? द टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्यों होता है ये आउटसाइड? तो ये कहानी है इसके पीछे कि अगर ये आउटसाइड ना हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस ना होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण आपको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये रहा स्क्रोटम, ये रहा आपका टेस्टिस। ठीक है, एंड बल्बो यूरेथरल ग्लैंड यहाँ पे है, ये मेल का एसेसरी ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करता है? लुब्रिकेशन करता है एंड लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। क्लियर है? एंड बहुत सारे एंजाइम्स भी सेक्रेशन सेक्रेट करता है। अब इजाकुलेटरी डक्ट, नहीं इजाकुलेटरी डक्ट वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला कहानी याद रखना, ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस या एक्यूरेट याद रखना, ये 3, 4, 5 दे देगा और MCQ बना देगा, तो ये याद रखना। क्यों होता है? बिकॉज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, लोअर देन दी नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कितना? 2 से 2.5 डिग्री। शेप वगैरह देख लेना, शेप एंड साइज कम चांसेस है पूछेंगे, जो पूछेंगे 250 कंपार्टमेंट, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब नेक्स्ट आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, किसे बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स याद रखना, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। सो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ABCDE, देन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लगा के आना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाई 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। इन दोनों के काम को देख लेना कि सर्टोली सेल्स क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू जर्म सेल्स, एंड मेल सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर है? देन आता है द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कोल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, कंटेन्स ब्लड वेजल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। ठीक है, ये याद रखना। लिडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कोल्ड एंड्रोजन, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने NCERT में भी मार्क करते चलो, ये सारे क्वेश्चन है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, देन आता है, सॉरी, देन आता है मेल सेक्स एसेसरी रेटी टेस्ट इज वास डिफरेंस या एपिडेडेमिस एंड वास डिफरेंस। तो वो आपसे क्या पूछेगा कि स्पर्म की जो इजाकुलेशन होती है उसकी पाथवे बता दो। तो वो पाथवे जो होता है ना, वो एक लाइन वाइज पूछता, या तो वो पीछे से आगे पूछ लेगा या आगे से, मेनली तो पीछे से आगे की तरफ ही पूछेगा, मतलब इंटरनल टू एक्सटर्नल ही पूछेगा। तो रेटी टेस्ट इज देन वास डिफरेंस देन एपिडेडेमिस देन वास डिफरेंस, क्या क्लियर है? तो ये वाला याद रखना, 2016 में पूछा गया है, तो ये पाथवे अपने दिमाग में रखना है, ये भी MCQ है। देन यूरेथ्रल मीटस किसे बोलते हैं, ये देख लेना। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पढ़ा कुछ भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड अगेन डायग्राम देख लेना, एम्स को मर्ज किए हैं तो मे बी ये लोग डायग्राम पूछ सकते हैं, ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था नेक्स्ट इमेज, प्रीवियस इमेज में बल्बो यूरेथरल ग्लैंड के बारे में। यहाँ पे द सेक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन इंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन इंजाइम्स। तो ये क्या करता है, ये टिप ऑफ दी स्पर्म या हेड ऑफ द स्पर्म बोलते हैं, उस पर ये रहते हैं और यही पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, क्या? फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन इंजाइम, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल है ये। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी देख लेना, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन डेट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स जो है ना, हार्मोन्स ये कौन रिलीज करता है? ओवरीज रिलीज करता है। क्या क्या होता है वो आगे भी देखेंगे। लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एबडोमेन, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 centimeter इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटरस बाई लिगामेंट।
ठीक है, कवर्ड बाई एपिथीलियम थिन, एपिथीलियम विच इंक्लोजेज द ओवेरियम, स्टोमा वगैरह दिया हुआ है। सो यहाँ पे स्टेरॉयड हॉर्मोन्स याद रखना जो कि ओवरीज रिलीज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये डायग्राम देख लेना, ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। यहाँ पे जो आता है इम्पोर्टेंट, इनफंडिबुलम, फिम्ब्रिए, ये सब। फिम्ब्रिए का फंक्शन क्या होता है? फिम्ब्रिए विच कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, फिम्ब्रिए हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओविडक्ट एंड फोलोपियन ट्यूब में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोगों को लगता है दोनों अलग अलग चीज़ें, नहीं दोनों एक चीज़ है। तो वो आपसे बोलेगा इस्थमस एम्पुला एंड इनफंडिबुलम आर द पार्ट ऑफ, इन इस्थमस एम्पुला इनफंडिबुलम आर द पार्ट ऑफ, ऑप्शन में दे देगा ओविडक्ट, आप यहाँ से पढ़ के जाओगे फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो। सो ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब दोनों एक चीज़ है, एंड ये डायग्राम में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूरा फिम्ब्रिए तक, एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम देखेंगे आगे। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम का क्या काम होता है? एक मेंस्ट्रुएशन में काम आता है और एक ड्यूरिंग डिलीवरी काम आता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में। मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, क्लियर है। इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कोल्ड एम्पुला, वो दिया हुआ है कैसे क्या होता है, क्या क्या सामने रहते हैं, क्या क्या दूर रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट है इसमें, इस पेज में है पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, क्लियर है। एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये याद रख लेना। एंड इंटरनल, एक्सटर्नल और मिडिल लेयर क्या क्या होते हैं वो याद रख लेना, पैटर्न नहीं याद रखना। जो इंटरनल है वो इंडोमेट्रियम है, देख सकते हो यहाँ पे, और ये लाइनिंग में ही आपका समझो कि ब्रसेज आते हैं या ब्रूसेज बोल सकते हो, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन होता है। देन आपका मिडिल है मायोमेट्रियम, देन है एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम, ठीक है। फिर ये एनेटमी पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा लेबिया मेजोरा माइनोरा, सॉरी लेबिया मेजोरा नहीं, पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड मसल्स वगैरह, ये सारा कुछ आपका एनेटमी पढ़ोगे उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसमें ज़्यादा ये काम आएगा, ठीक है। एंड ये सब देख लेना, ये माइनोरा मेजोरा जो भी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो ब्रेस्ट रिलेटेड एमसीक्यू बन सकता है, वो 15 to 20 मेमोरी लोब्स, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, वो आप याद रखना। क्या होते हैं? द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स, क्लियर है। देन एल्वोली से कहानी आता है, द सेल्स ऑफ एल्वोली सेक्रेट मिल्स, लंग्स में देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की कहानी वहाँ पे दी हुई है, बट यहाँ पे याद रखना एल्वोली सेक्रेट मिल्क, मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेंस ऑफ एल्वोली, क्लियर है, ये क्वेश्चन है एग्जाम का। द एल्वोली ओपन इन टू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइंट टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट एंड फलाना लैक्टिफेरस डक्ट, देख लेना किसे कहते हैं, ठीक है। थ्रू विच मिल्क इज सक आउट, किसके थ्रू होता है? लैक्टिफेरस डक्ट। देन आते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बच्चों वाली कहानी है। ये डायग्राम देख लेना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ये मार्क कर लेना इस पेज का, ये मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड व्हाट इज स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्माटाइड से स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्माटाइड से स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन, स्पर्म्स की फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्मिएशन से याद रखना सर्टोली सेल, स्पर्मिएशन मीन्स सर्टोली सेल, स्पर्मिएशन मीन्स सर्टोली सेल, ठीक है, ये याद रखने का तरीका आप बोल सकते हो। अब होता क्या है कि स्पर्म हेड्स बिकम आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, ठीक है। ये डायग्राम में आपसे सर्टोली सेल्स पूछ सकता है एंड स्पर्माटाइड और स्पर्मेटोजोआ पूछ सकता है, क्लियर है। इसमें कंफ्यूज ना होना, ये अलग है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और ये सर्टोली सेल का शेप एंड साइज अलग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है GnRH, जो कि आपका दो क्वेश्चन बनाएगा, वो है FSH एंड LH। तो ये याद रखना है LH किस पे एक्ट करता है एंड FSH किस पे एक्ट करता है, स्पर्मिएशन किससे होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस किससे होता है। LH एक्ट्स एट
लेडिग सेल्स एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, ठीक है ये याद रखना, LH बोले तो एंड्रोजन, क्लियर है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो LH एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या याद रखना है, LH एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस, LH एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स स्पर्मिएशन, सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस, सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा, FSH, स्पर्मियोजेनेसिस FSH, ठीक है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस आपका LH और एंड्रोजन, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन है। देन इधर जो क्वेश्चन स्पर्म का होता है, ये डायग्राम देख लेना, डायग्राम में आपका मिडिल पीस देख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड टिप ऑफ स्पर्म और हेड ऑफ द स्पर्म की कहानी देख लेना। जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। द ह्यूमन मेल इजुकुलेट अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मली फर्टिलिटी, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी, ठीक है। ये जो मार्क किया मैंने वो इम्पोर्टेंट है, 40 और 60%, वो याद रखना, ठीक है। देन इसमें फिर आपका जो इम्पोर्टेंट आता है, एंट्रम किसे बोलते हैं, एंट्रम पढ़ लेना, एंड सेकेंडरी ओसाइट्स प्राइमरी ओसाइट्स वो आप समझ जाओगे आगे। ग्राफियन फॉली सेल्स, जोना प्लेसिडा एंड ओवुलेशन, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इस डायग्राम को देख लेना। अब यहाँ देखते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्पर्माटाइट एंड स्पर्माटाइट से स्पर्मेटोजुआ बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, और स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्माटाइट से स्पर्मेटोजुआ को फॉर्मेशन को स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन सर्टोली सेल, ठीक है, तो ये याद रखना, ये मस्ट है कि पूछेगा ही पूछेगा। और न्यूक्लियस देख लेना, कम चांसेस है पूछने का, बट अगर पूछता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 23 स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, 23, क्लियर है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। देन इसमें इम्पोर्टेंट है सेकेंड पोलर बॉडी एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, जो क्वेश्चन पूछेगा वो है आपका सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में रिलीज होती है, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में, क्लियर है। और ओवम कब रिलीज होती है, ड्यूरिंग मेंसुरेशन, कितने रिलीज होती है ओवम पर मेंसुरेशन, ये कमेंट करके बताना, पर मेंसुरेशन कितने ओवम रिलीज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मेंसुरल साइकिल न्यूट 2023, मिनार्क किसे बोलते हैं, मेंसुरल साइकिल किसे बोलते हैं, ये याद रखना। मिनार्क क्या होता है, द फर्स्ट मेंसुरेशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मिनार्क, ठीक है। मीनोपॉज किसे बोलते हैं, वो जब 45 या 50 ईयर्स के एज पे जब मेंसुरेशन रुक जाती है, सीज हो जाती है, उसे बोलते हैं मीनोपॉज। यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम अगेन इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद है, मेरे बोर्ड में आया था, 12th क्लास में ये डायग्राम आया था, बड़े अच्छे से रटा था, इसे समझा था और 2 कॉपी पेस्ट जा करके अपने बोर्ड में उतार दिया था, ठीक है, बोर्ड के पेपर में। सो हाँ, उस टाइम था कि अगर आप 12th का बोर्ड के लिए प्रिपरेशन सही से कर लेते हो तब तो फोड़ के आओगे, क्योंकि कुछ था नहीं। और अभी भी है, अभी 12th का मुझे मालूम नहीं कैसा पढ़ाई है, कैसा क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, बट हाँ नीट में तो प्योर NCERT है, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे नीट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो लाइक 14th डे पे आप लोग देख सकते हो LH पीक पे है, ठीक है, और FSH किस स्टेज पे है, FSH नीचे है, क्लियर है, तो ये याद रखना। ओवुलेशन कहाँ आपको देखने मिल रहा है, ओवुलेशन आपको देखने मिल रहा है 14th डे पे, क्लियर है। डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम कब आपको डेवलप देखने मिल रहा है, ल्यूटियल फेज। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूँ मेंस्ट्रुएशन से। सबसे पहले कितने फेज होते हैं, तो फॉलिकुलर फेज होते हैं, ल्यूटियल फेज होते हैं, इनके दो नाम होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज होते हैं एंड सेक्रेटरी फेज, ठीक है, तो ये दो दो नाम है, दोनों नाम आप याद रखना, क्लियर है।
दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इस्ट्रोजन की लेवल क्या होती है एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस्ट्रोजन की लेवल ऊपर होती है, ठीक है। प्रोगेस्ट्रोन की लेवल कब होती है? ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज प्रोगेस्ट्रोन की लेवल ऊपर होती है, मतलब जब कार्पस ल्यूटियम डेवलप करता है तो प्रोगेस्ट्रोन की लेवल इंक्रीज करती है। तब आप देखोगे कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी प्रोगेस्ट्रोन की लेवल में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा, ठीक है। आपको देखने मिलेगा वहाँ पे सहारा रिलीज होना बंद हो जाता है। और यहाँ पे डेवलपिंग फॉली सेल्स, मैच्योर फॉली सेल्स, रिग्रेशिंग कार्पस ल्यूटियम, ये सब डायग्राम देख लेना। मेन जो था वो मैंने बता दिया, LHFSH, इस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रोन, और जो ये पूछता है फेजेस, ठीक है, फॉलिकुलर फेजेस, प्रोलिफरेटिव फेजेस, ल्यूटियल फेजेस। अब इसमें कहानी दी हुई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की यहाँ पे क्या लिखा है, द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर। इतना द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। याद रखना है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग में ब्रेकडाउन होता है ऑफ द यूट्रस एंड इट ब्लड वेजल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। क्लियर है। मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ओवम फर्टिलाइज्ड है तब भैया नहीं होगा। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग 9 month ऑफ प्रेगनेंसी आपका नहीं होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। और ऐसा नहीं, आपके लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है ड्यूरिंग 9 month ऑफ प्रेगनेंसी, बट जो बीमारियाँ होती है ऐसे बहुत सारे जिसमें प्रेगनेंसी में भी मेंस्ट्रुएशन देखने मिलती है, ठीक है। सो रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड मीन्स मेंसुरेशन होगा, ठीक है। लैक ऑफ मेंसुरेशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, हाउएवर इट मे ऑल्सो भी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा, मे बी PCOS, इरेगुलर मेंसुरेशन होता है, ठीक है। PCOS एक केस है जिसमें बेबी होना बहुत मुश्किल होता है। हिर्सुटिज्म का भी केस देखते हैं इसमें, मतलब हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने मिलता है इन फीमेल, ठीक है। सो वो पढ़ोगे, MBBS करोगे, गायनी और गायनी में पढ़ोगे सारा कुछ। तो अब यहाँ पे ये पढ़ लेना यार, ये सारा कुछ, ये मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, पढ़ लेना। जो बताना तो वो मैंने बता दिया, ओवम वाला देख लेना, फेजेस देख लेना, एंड LHFSH, इस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन देख लेना। ये देख लो, इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सेक्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉली सेल्स। बोथ LH एंड FSH पीक लेवल इन द मिडिल साइकिल अबाउट 14th डे। ओवुलेशन कब होता है देख लेना, कार्पस ल्यूटियम का देख लेना, ट्रांसफॉर्म एज द कार्पस ल्यूटियम, विच ट्रांसफॉर्म एज द कार्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉली सेल्स, ठीक है, ग्राफियन फॉली सेल्स। ये मैं आपको बताऊँगा कभी और बहुत अच्छे से, डायग्राम बना के ग्राफियन फॉली सेल्स की पूरी कहानी, ठीक है। देन मीनोपॉज जो बताया मैंने, मीनोपॉज सीज हो जाता है एट द एज ऑफ 45 or 50 ईयर्स, तो मेंसुरल साइकिल सीज हो जाता है, उसे बोलते हैं मीनोपॉज। और इसमें एक बात याद रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है द कार्पस ल्यूटियम सेक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोगेस्ट्रोन, तो विच सेक्रेट प्रोगेस्ट्रोन, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, देखे। सो प्रोगेस्ट्रोन रिलेटेड है प्रेगनेंसी से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देर इज नो मेंस्ट्रुएशन, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स, ये भी याद रखना। दिस कॉज डीजेनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है वो आप लोग याद रखना, द ओवम रिलीज्ड बाई द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में बता रहा था, वो एम्पुलरी रीजन है, क्लियर है। द ओवम रिलीज्ड बाई द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ओवम एंड
स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी रीजन, ये याद रखना ठीक है। अगर दोनों साइमल्टेनियसली रिलीज होते हैं तो एम्पुलरी रीजन में जा करके फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए देखने मिलता है बहुत बार कि दे आर सेक्सुअली एक्टिव बट प्रेगनेंसी नहीं देखने मिलता, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि एक दो बार में ही हो जाए, मे बी टाइम लग सकता है। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स एंड कॉन्टेक्ट टू जोना प्लेसिडा इंपॉर्टेंट ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। तो भैया ट्विंस कैसे होते हैं ये कॉमेंट में बताना, ट्विंस कैसे होते हैं। अगर स्पर्म यहाँ पे जा रहा है और ये लग रहा है, ठीक है, जैसे लगता है वैसे फिर ये सारा कुछ क्लोज हो जाता है, ये फिर दूसरे को घुसने नहीं देगा। तो ट्विंस कैसे होते हैं, और यहाँ पे एक और है, द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम्स हेल्प द स्पर्म इंटर इन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जेनोप्लासिडा एंड द प्लाज्मा। तो क्या हेल्प करता है एक्रोसोम, किस पे होता है, टिप ऑफ द स्पर्म या हेड ऑफ द स्पर्म, ठीक है। यहाँ देख लो, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लोइड ओवम, ओटिड बोलते हैं। तो ये देख लेना जाइगोट, सॉरी सेकेंड पोलर बॉडी की कहानी, ठीक है। देन ये डायग्राम बताया हुआ है, क्लीवेज किसे बोलते हैं, क्लीवेज पहले पूछा जाता था अब नहीं पूछा जाता है, बट क्लीवेज की डिफिनेशन देख लेना एंड ब्लास्टोमेयर्स एंड ट्रोफोब्लास्ट की डिफिनेशन देख लेना, समझे। ब्लास्टोमेयर्स, क्लीवेज एंड ट्रोफोब्लास्ट की डेफिनेशन, सो ये डायग्राम देख लेना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, मोरूला और इम्प्लांटेशन, तो ये पहले पूछे जाते थे बट अब नहीं पूछते हैं, यहाँ पे मोरूला दिया हुआ है। तो ये देख लेना जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, इसे अच्छे से पढ़ लेना। अब आता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक, यहाँ से हार्मोन जितने दिए हुए कौन क्या रिलीज करता है, वो है आपका क्वेश्चन नीट 2023 का। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाई द यूटरिन टिश्यू एंड मेटर्नल ब्लड, ठीक है। यहाँ पे याद रखना प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा का फंक्शन, प्लेसेंटा और प्लेसेंटा का फंक्शन, प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। देन प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस हार्मोन, ये नीट का क्वेश्चन है 2023 का। क्या क्या करता है हार्मोन, याद रखना हार्मोन HCG, HPL, इस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोजन एक्सेट्रा। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी द हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सेक्रेटेड बाई ओवरी। तो रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड बाई ओवरी, रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड बाई ओवरी एंड HCG, HPL, इस्ट्रोजन, प्रोगेस्टोजेंस आर रिलीज बाई प्लेसेंटा, इंपॉर्टेंट है ये। देन यहाँ पे लिखा हुआ है HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक इस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोजन, कोर्टिजोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मेटरनल ब्लड। वहाँ मैंने बोला था सीज कर जाता बट हाँ इंक्रीज करता है, सॉरी ठीक है, इंक्रीज करता है, प्रोगेस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज करती है, ये याद रखना। जो इंक्रीज करता है वो याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग ऑफ द फिटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। सो क्या क्या इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस्ट्रोजेंस, प्रोगेस्टोजेंस, कोर्टिजोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ठीक है। ये पांच चीज़ें हैं, पांचों हार्मोन्स आपको याद होना चाहिए।
देन ये पूछा गया था, ये 2018 में शायद पूछा गया था, एक्टोडर्म मेजोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म मेजोडर्म एंड इंडोडर्म, इसे न्यूमरिकल सॉल्व कर लेना, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट है। एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड थोड़ा सा इसे देख लेना, तीन लेयर को। अब आता है लास्ट है, यहाँ पे है पार्ट्रूशन, जो कि दिस दिस प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फोटस और चाइल्ड बर्थ, इसको पार्ट्रूशन, डिलीवरी के प्रोसेस को बोलते हैं पार्ट्रूशन, एंड इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल्स ऑफ पार्ट्रूशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फोटस एंड द प्लेसेंटा, विच इंड्यूस माइल्ड यूटरिन कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड फोटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये किसके कारण होता है? ऑक्सीटॉक्सिन के कारण होता है। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन फ्रॉम द मेटरनल पिच्यूटरी। ऑक्सीटॉक्सिन एक्ट्स ऑन द यूटरिन मसल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटरिन कॉन्ट्रेक्शन, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, समझ लो, मैं बताता हूँ। उस डिलीवरी के प्रोसेस को पार्ट्रूशन बोलते हैं, और वो कैसे हो, वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। सिग्नल्स किधर से ट्रिगर्स होते हैं? सिग्नल होते हैं फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा, और वो क्या करते हैं, विच इंड्यूस माइल्ड यूटरिन कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन का रिलीज को ट्रिगर करता है। तो वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ऑक्सीटॉक्सिन को कौन ट्रिगर करता है, तो वहाँ पे फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ये ऑप्शन में दिया रहेगा, वो लगा के आना, ठीक है। सो यही है आपका। देन लैक्टेशन एंड कोलोस्ट्रम, ये देख लेना, विटामिन ए वगैरह रहता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 महीने के लिए जरूरी है, ठीक है, प्रिस्क्राइब करते हैं कि 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है। देन आता है समरी, समरी पढ़ लेना, समरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समरी पढ़ लेना, एंड एक्सरसाइज कर लो। जो स्टूडेंट एक्सरसाइज कर लेता है, मुझे नहीं लगता है कि उसे कुछ भी करने की ज़रूरत है, किसी भी टीचर्स की एक्स्ट्रा थेथिस सुनने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी, काम खत्म। क्या इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ये एक तरह से रिव्यू है, ये मैं कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये फटाफट मैं इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन में देख लो, जो जो हमने पढ़ा वही सारा कुछ है। ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ह्यूमन्स आर विविपोरस होते हैं, ओविपोरस होते हैं या ओविपेरस होते हैं, चैप्टर 1 में मिलेगा, ठीक है। और विविपोरस वाला क्वेश्चन आया था, पेलीटिपस एक है वो पूछा गया था। एनिमल किंगडम में भी दिया हुआ है, फर्टिलाइजेशन इज डैश इन ह्यूमन इंटरनल, कैपेसिटेशन पूछा जाता है कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है इन द फीमेल बॉडी, ठीक है। देन मेल एंड फीमेल का कहानी था। देन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मेच्योर पॉलीसेल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड। तो ये सारे जो दिए हुए हैं ना, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। ड्रॉइंग देख लेना, ठीक है। टू मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस का फंक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस देखोगे, 202.5 डिग्री कम रहता है, ओवरी का होता है, ओवम रिलीज करता है, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह वो सब याद रखना, कहाँ होता है, स्क्रॉटम बोलते हैं, एक पाउच में रहता है जिसे हम स्क्रॉटम बोलते हैं, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बता दो। नेम दी हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, 7th नंबर। ये आपका 2018 में पूछा गया था, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन क्या होता है, समझे। तो यही सारे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, और कुछ भी नहीं पूछते हैं। यहाँ अगर पढ़ लेते हो ये सारा कुछ, आपका हो गया। मेजर फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल पूछा गया था। व्हाट इज ओवोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस पोलर बॉडी पूछा गया था यहाँ से, ठीक है। ओवोजेनेसिस जो पढ़ेगा, ऑफकोर्स पोलर बॉडी डायग्राम में दिया हो तो पोलर बॉडी भी वो पढ़ेगा ही, और पोलर बॉडी अगर सही से पढ़ेगा नीट का क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। ग्राफियन फॉलिसल्स क्या होता है, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम का कहानी याद रखना, फंक्शन याद रखना, ठीक है, और उनका पैटर्न याद रखना, इंटरनल मिडिल लेयर एंड एक्सटर्नल, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम, ठीक है। देन एंड्रोजन क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, लेडिक सेल्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ अच्छे से देख लेना। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे मेंशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है ये देख लेना। सीजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सही बात है, ठीक है। फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलेबल
इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ये सही बात है। देखो ये जो एनसीईआरटी बनाते हैं ना, वो बहुत ही मैच्योर लोग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, तो कुछ मैच्योरिटी वाली भी बातें यहाँ पे देख करके वो लोग पूछते हैं। सो ये क्वेश्चन तो नहीं है नीट का, बट ये बहुत मैच्योर वाली बातें हैं। तो हाइमेन का ब्रेक होना, इट डजेंट मीन कि सी इज सेक्सुअली एक्टिव और सी हैव हैड सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ओके, सो ये यहाँ पे बताया गया है। और व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन इंपॉर्टेंट है, 2023 का क्वेश्चन है। विच हॉर्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल एलएच एफएसएच इस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन, ये सारा कुछ देख लेना। पार्ट्रिशियन ऑक्सीटॉक्सिन की कहानी एंड फुली डेवलप्ड बेबी एंड प्लेसेंटा, कॉम्प्लेक्स इंडो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है वो देख लेना। फीटल इजेक्शन रिफ्लैक्स, यही है सारा कुछ, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इन नॉट फॉर नीट, आप ऐसे नॉर्मल बोल सकते हो, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। इन आवर सोसाइटी दी वुमन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग, अब तो नहीं, अब पढ़े लिखे लोग हो गए, बट पहले के टाइम में किसी ने ना ही एनसीईआरटी बायो के पढ़े थे, ना ही कुछ मालूम था। सो बोला जाता था कि एक्सएक्स क्रोमोजोम से ही हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डॉटर बर्थ, ठीक है, फॉर बर्थ ऑफ डॉटर। तो वही यहाँ पे बोला गया है, इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज फीमेल में होता है एक्स एक्स क्रोमोजोम, जो मेन डिसाइडर होते हैं वो होते हैं मेल एक्स एंड वाई। अगर एक्स एक्स से जा करके कंबाइन करता है तो गर्ल होगी और एक्स वाई देन बॉय, और ये भी किसी के हाथ में नहीं होता। अब ऐसा ना कि, अब ऐसा ना बोलो कि मेल रिस्पॉन्सिबल है, तो मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। ये भगवान के ऊपर होता है, ये वाहेगुरु के ऊपर होता है, ये किसी के ऊपर नहीं होता। रामदेव बाबा ने एक दवाई बनाया था, वो कहते हैं कि मेरे दवाई खाओ और सिर्फ लड़के ही होंगे। तो उनका शायद मेडिकल, मैंने अपने टाइम में जब पढ़ा था, 2016 की बात है, नहीं 16 की बात नहीं है, 15 की बात है, 15 या 16 मे भी 15 की बात है, अक्टूबर कुछ ऐसा मंथ था, ठीक है, अक्टूबर भी नहीं होगा, और भी पहले की बात है, 15 में मे भी मार्च या अप्रैल या जून की बात है। तो वो मेरे सर ने बताया था कि जो रामदेव बाबा की दवाई थी वो क्या करता है कि एक्स क्रोमोसोम्स को ख़त्म कर देता है इन मेल बॉडी, ठीक है, मेल स्पर्म, और एक्स क्रोमोसोम्स ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स आप इजाकुलेट करोगे, और वाई क्रोमोसोम्स दोनों उधर एक सी हैं, किसी से भी जा करके फर्टिलाइज होगा, मैच करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है। बट ये मेरे हिसाब से ना मैं रामदेव बाबा को मानता हूँ, ना उनकी दवाइयों को मानता, तो ये सारा कुछ फेक है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जो भी है मैं बता दिया, भगवान एंड वाहेगुरु के ऊपर है, ठीक है, एंड जो भी है यार सब बेस्ट है, क्लियर है। सो ये पहले के लोग करते थे, अब लोग पढ़े लिखे हैं सो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाई अ ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन कितनी बार होती है, एक बार होती है, तो एक कितनी बार रिलीज होगी वो आप देख लेना। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बिन रिलीज इफ द मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस, वो मैंने आपसे वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा था कि जोना प्लेसिडा अगर एक बार फ्रुक्टोज या कैल्शियम वो पेनिट्रेट करके वो चला जाता, प्लाज्मा इंटर कर जाता, देन जोना प्लेसिडा जो होता वो ब्लॉक कर देता, दूसरे को पेनिट्रेट नहीं करने देता, तो ट्विंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो कितने ओवम यहाँ पे पूछ लिया है, तो ये सारा कुछ याद रखना। वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विंस बॉर्न वर फ्रेटर्नल, इम्पॉर्टेंट है। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाई द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पप्पीज, अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब जो बच्चा ये क्वेश्चन 21 20 नंबर करके नहीं जाएगा, मैं लिख के देता हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आ पाएगा अगर ये पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज, ठीक है, समझे। अब ये मत सोचना कि 6 है तो 6 ओवम एक बार में रिलीज हो रही है, नहीं, स्पर्म की कहानी है, ठीक है, क्लियर है। सारा कुछ जो भी है वो ये है रिस्पॉन्सिबल, लड़की हो लड़का हो कितने बच्चे हो रहे हैं सारा कुछ ये रिस्पॉन्सिबल है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड ये मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बहुत ही स्पीड जा रहा हूँ, सो
ये सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, ये एक तरह से रिव्यू है और इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ये अगर लेक्चर सुन लेते हो लास्ट में, तो आपके दिमाग में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पूछा जा सकता है, समझे। गिन करके 400-500 क्वेश्चन है टोटल, बायो के 400-500 कर लेते हो, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 100 के 100 तो बनाने नहीं है, 90 बनाने हैं, 90 करेक्ट करके आओगे, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।